राजस्थान की सियासत में इन दिनों दो ऐसे चेहरे हैं जो सुर्खियां बटोर रहे हैं। इनमें पहले हैं भजनलाल सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और दूसरे हैं कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा। दिलावर इन पिछले दिनों आदिवासियों को लेकर दिए गए बयान को लेकर चर्चा में हैं, तो वहीं मीणा अपने इस्तीफे को लेकर। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। राजस्थान की बीजेपी सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पिछले दिनों आदिवासी समाज को लेकर एक बयान दिया था। इसमें डीएनए जांच का भी जिक्र किया गया था। उनके इस बयान ने राजस्थान की सियासत में तूफान खड़ा कर दिया। आदिवासी समाज और उनके नेताओं के साथ विपक्षी कांग्रेस ने उन पर जमकर हमला शुरू कर दिया। उनके इस्तीफे और बयान पर माफी मांगने की मांग को लेकर गुरुवार को विधानसभा के सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। दिलावर के अंदाज को लेकर राजस्थान विधानसभा में एक कहा जाता है कि बिन मदन कैसा सदन। दलित नेता दिलावर बीजेपी और वसुंधरा राजे के गढ़ माने जाने वाले हड़ौती संभाग से आते हैं। दिलावर अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। दिलावर विपक्ष के अलावा अपनी ही पार्टी की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे से भी टकरा चुके हैं। दिलावर पूर्व में वसुंधरा राजे के गढ़ और उनके मुख्यमंत्री काल में उनसे टकरा चुके हैं। राज्य के पहले कार्यकाल में दिलावर उनकी कैबिनेट में शामिल थे। उनके पास सहकारिता और समाज कल्याण विभाग था, लेकिन राज्य से हुए टकराव के बाद उनका सहकारिता महकमा छीन लिया गया था। इससे उनका राज्य से मतभेद और बढ़ गया था। अगले विधानसभा चुनाव में दिलावर चुनाव हार गए। उसके बाद 2013 में पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था। इसका सीधा आरोप राज्य पर लगा। 2018 में दिलावर ने कोटा की रामगंज मंडी विधानसभा सीट से फिर वापसी की, लेकिन पार्टी सत्ता में नहीं आई। दिलावर केवल राज्य से ही नहीं टकराए, बल्कि विपक्ष में रहते हुए तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ पुरजोर तरीके से मोर्चा खोल रखा। गहलोत को लेकर उनकी बयानबाजी कई बार सुर्खियों में बनी। यही नहीं, 2023 में सत्ता में आने के बाद भी दिलावर ने गहलोत पर हमला बोलना रोका नहीं, बल्कि और तेज कर दिया। वो पेपर लीक मामले में यहाँ पूर्व सीएम गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के जेल जाने वाले बयान कई बार दे चुके हैं। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।